जानते हो परा स्त्री देवी होती है और तुम एक देवी को हर के लिए जा रहे हो, अरे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हमारा सर्वनाश हो जाएगा? अरे ज्यादा बोलेगी तो इसी नदी में डाल दूंगा। हाँ तो मैं डूब जाऊंगी परंतु मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। डूब जाएगी और क्या, तुम्हारा सारा पैसा नष्ट हो जाएगा। परंतु ये बतला, जो मेरा पैसा लगा है उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? अरे तुमने खरीदा है, परंतु क्या तुमने मुझसे पूछ करके खरीदा है? कि तुमने मुझे 1 लाख की खरीदा है तो तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। इंतजार करना होगा? हाँ। परंतु कितने दिन तक? तुमको 12 वर्षों तक इंतजार करना होगा। 12 वर्ष? हाँ। अरे 12 वर्ष तक इंतजार? यहाँ 12 घंटे नहीं इंतजार हो रहे। तो भैया मैं डूब करके अपनी जान दे दूँगी। मुझे क्या करना होगा? 12 वर्षों तक हमारा तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का रहेगा और 12 बरस हो जाने के पश्चात फिर क्या? मैं आपने 1 लाख की खरीद के लाए हो, मैं फिर बताऊंगी। फिर बताओगी? और क्या, पहले 12 बरस तो हो जाने दो। अच्छा चलो ठीक है, हम 12 बरस तक तुम्हें बहन बना कर रखेंगे। ठीक है भैया, आप घबराइए मत। चलो ठीक है। ठीक है भैया। अरे बठियारी बहन, मेरी कहाँ माँ है? मेरी माँ कहाँ है? क्या तुम्हारी माँ? हाँ माता, ये मैं तुम्हारी माँ को क्या जानू कहाँ है? मेरी माँ का कहाँ कहाँ छोड़ आए हो? नौकर, इनकी माँ को मैं छोड़े बता दो। अम्मा से नहीं मिले हो? हाँ ऐसा है भैया, अब तुम्हारे पप्पा से ने कहे थे अब दूसरी अम्मा ले ही, अब वही अम्मा तुम्हारी टहले घूमे गई, देखो कब घूमी घूमे। नहीं मेरी माँ चाहिए। चुप चुप, पागल कह के मैं तुम्हारी माँ को क्या जानू कहाँ गई है? नहीं मेरी माँ चाहिए। पीछे पीछे अगर यहाँ दोबारा आए तो समझ लेना मैं तुम्हारी माँ के पीछे पीछे थोड़ी ना घूम रही थी, इसलिए यहाँ से चले जाओ। उधर लखवा पर भाग जाओ, ने माँ डर नहीं। बेटियारी बहन, तुम्हारे साथ ही गई थी मेरी माँ। बोले ना दादा, 2024 क्या चल रहा है कहीं का पता चल? तुमका घर में ढूंढ पनिया के तुमका पकड़ा हुआ है। पिताश्री पिताश्री
पिताश्री मेरी भठियारी मेरी माँ को कौन छोड़ी आई है पिताश्री। पिताश्री क्या बेटा फरवर बेटा नीर क्यों रो रहे हो या क्या कह रहे हो कि भठियारी बहन तुम्हारी माँ को कहीं छोड़ आई है? हाँ पिताश्री। ऐपा नहीं हो सकता, आप लोग मत रो मेरे लाल, हम अभी चलते हैं और भठियारी बहन पे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ है। हम माँ के बिगैर नहीं जी सकते पिताश्री। मत रो मेरे लाल बेटा फरवर मत रो, आओ चलते हैं भठियारी के पास। ये भठियारी बहन हमारी पत्नी कहाँ है? ओहो मैं क्या जानू तुम्हारी पत्नी कहाँ है, मैं क्या तुम्हारे पत्नी के पीछे पीछे घूम रही थी? हमारे पुत्र परवनीर बतला रही कि आपके पास गई थी। इन बच्चों पर तरफ खाओ, इनकी माँ कहाँ है देखो किस प्रकार पे रो रहे हैं, बतला दो इनकी माँ कहाँ गई है, बोलो बहन। मैं नहीं जानती हूँ कि आपकी पत्नी कहाँ गई है, मैं उसके पीछे पीछे थोड़ी ना घूम रही थी। और जानते हो रही बात तुम्हारी पत्नी की, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। आखिर मैं क्या नहीं जानता हूँ? तुम उसके बारे में नहीं जानती हो, मैं बतलाती हूँ कि तेरी नारी ना तो राजी नहीं, ना जाने उस किसके साथ में हमारा भाग गई है। ऐसा मत कहो, हमारी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती, अपने दोनों बच्चों को छोड़कर हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है। आप झूठ बोल रही हो, बतला तो हमारी पत्नी कहाँ गई है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुमसे सच कहती हूँ, तुम्हारी पत्नी तुम पर राजी नहीं थी, ना जाने हो हमारा किसके साथ में भाग गई है, इसलिए तुम हमारा कहना मानो, इसी वक्त इसी समय मेरी हमेली से। अब क्या होगा पिताश्री, मेरी माता पता नहीं कहाँ चली गई है। हे बेटा फरवर और नीर, मत रो मेरे लाल, हम तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास ले चलते हैं। आओ बेटा फरवर नीर चलते हैं। हे विधाता
ना जाने हमारी पत्नी कहाँ होगी कि कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई चलते नदी के समीप आ गए। हाँ पिता श्री। हे बेटा सरवर बोलो। और बेटा निहिर देखो, बेटा सरवर आप इसी पार ठहरो, हम तुम्हारे छोटे भाई नीर को पार छोड़कर अभी आते हैं, इसके बाद तुम्हें ले चलेंगे। ठीक है पिता श्री। आओ बेटा निहिर। Thank you.
बेटा परवर पिताश्री बेटा नीर पिताश्री अब मैं तुम्हारा पद नहीं दे सकता हूँ बेटा नीर परवर पिताश्री जल के पास मत आना बेटा नहीं पिताश्री मैं आना हूँ रहना जल से दूर पाप मत दरिया के आना आह बेटा अरे रहना जल से दूर पाप मत दरिया के कभी खत्म मांग के खा लेना अरे किस्मत मेरी फूटी मात पे बिछड़न भयो हमारी देह रही छूटी अरे किस्मत तेरी फूटी देखो मैं जल में डूबा जा रहा हूँ अब हम तुम्हारा पाप नहीं दे सकते बेटा आ बेटा परवर बेटा नहीं भैया नीर भैया भैया नीर मैं आ रहा हूँ नहीं भैया नहीं भैया आ रहा हूँ भैया इधर मत आना भैया भैया नहीं मैं आ रहा हूँ नहीं भैया इधर मत आना हेलो 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 हाँ तो मेरा प्रिय भक्तों फिन की तरफ ध्यान दीजिए देखिए आज महाराज अम्ब उस नदी में डूब जाते हैं और एक बार फरवर और दूसरी तरफ नीर आज किस प्रकार से बिलख रहे हैं रुदन कर रहे हैं कि एक पार पर फरवर रोवे और एक पार पर नीर मातु पिता बिनु कौन बंधावे भीर मातु पिता बिनु कौन बंधावे
हाथ पटाए बिल खाए कहा तो मैं जाऊं, पिछड़े मात पिता को कहा तो मैं लाऊं। पर तूने कैपी लिख जीवन की तहरी, मातू पिता बिनु कौन बंधा उधर पे फिर आवे, खाएगा हम दोनों को मिट जीवन की तहरी, मातू पिता भीनो कौन बधावे हमारे श्रीमान भाई अमर सिंह तिलोकपुर की तरफ से इनके द्वारा 20 रुपए का पुरस्कार सर्वर एंड नीर के लिए प्राप्त हुआ। यादव पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। भैया हमें उस पाल ले चलो नीर भैया। और लीला प्रेमी भक्तों, आज जब इधर महाराज अम्भ सरयू को पार करने की कोशिश करते हैं, आज एक पुत्र सरयू नदी के उस पार और एक पुत्र सरयू नदी के इस पार रह जाता है और महाराज अम्भ उसी गंगा नदी में डूब जाते हैं और बहते हुए न जाने कहां को चले जाते हैं। और इधर उसी सरयू घाट पर आज धोबी किस प्रकार से कपड़े धोने के लिए आता है, धोबी एंड उसकी पत्नी धोबिन किस प्रकार से कपड़े धोने के लिए आते हैं, आइए देखते हैं सीन के माध्यम से। हेलो, अरे धीरे धीरे चलो गदहनो लाती Yeah।
गई मुनिया गदहुना की झोनी में देखा गदहुना की झोनी में लादी उतारो तुम्हें है उतारो। हेलो जी हमारे श्रीमान शिव कुमार कश्यप पे पिपरा बाजार की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार चलती है सिर पर पार्टी की तरफ से धरी बात अनेक होनिया गठनी खोना गठनी कपड़ा धोए जाई कपड़ा तुम्हारे हाथ नहीं है क्या। हाँ दादा हमारे हाथ नहीं है हाथ है हमारे मर गए अरे कपड़ा धोवती दिन जाई कपड़ा धोवती दिन जाई जन्म मिलो धोवती